प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की आलाकमान से शिकायत पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है कि कांग्रेस अभी परिवर्तन के दौरे से गुजर रही है कुछ लोगों को ये परिवर्तन अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अमिताभ अग्निहोत्री ने जो कहा वह एकदम सही है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी लगातार टूट रही है। जीतू पटवारी जी ने जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है वो चौपट नाथ साबित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आपने देखा किस प्रकार से उनने कांग्रेस पार्टी को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। छिंदवाड़ा जो कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सीट थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फैलाया है और 1,00,000 से ज्यादा मतों से हम जीते हैं। तो ये जीतू पटवारी जी की हार को दर्शाता है, उनके अकुशल नेतृत्व को दर्शाता है और जीतू पटवारी जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा वैसे भी दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के हक में भाजपा से लड़ाई लड़े और जो लोग अपने ही संगठन से लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं और जो जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं उनके आरोप बेबुनियाद होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो परिवर्तन मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहा है उसे कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद आरोप हैं। इंदौर से खबर जहाँ टुकड़ों में मिली